वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 अप टू सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने देख लिया था कि भाई 1782 में कई तरीके की चीजें हुई थी, और उसमें हमने ये भी देखा था मद्रास, बॉम्बे, बंगाल इनको प्रेसिडेंसी बना दिया गया था, और एस्टेब्लिश हुआ था एक नया जस्टिस सिस्टम जिसमें क्रिमिनल कोर्ट भी थे, जिसे फौजदारी अदालत कहते थे, और सिविल कोर्ट थे जिन्हें दीवानी अदालत कहते थे, और हिंदू पंडित एंड मौलवी बोथ इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट्स में यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बैठा करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स, जो यूरोपियन कलेक्टर्स थे। क्रिमिनल कोर्ट्स वर सिट अंडर मुफ्ती एंड अ काजी। मुफ्ती और काजी जो है इस सारे के सारे जो है बताते थे कि कौन सा कब होगा, मगर इन पे बैठता कौन था? यूरोपियन, मतलब ये कुछ भी बोल ले, यूरोपियन उनका विरोध कर भी सकते। तो ये सारी बातें हमने करी थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? हमने बोला था कि ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। तो ब्राह्मणों के, हिंदुओं के अलग अलग धर्मशास्त्र होते थे, उनके अकॉर्डिंग वो बता देते थे उनके लॉज। मेजर प्रॉब्लम थी। तो अब इन 1775 11 पंडित जो थी ना, 11 पंडित वर आस्ड कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज फॉर ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। उनसे बोला गया कि भाई आप हिंदू लॉज का कुछ बनाइए जो हिंदुओं में प्रचलित हो और वो कर पाए, यूनिफॉर्मिटी हो, उस लॉ से ही सब कुछ गवर्न होगा। कंपाइल कर लीजिए सारे जितने भी हिंदू लॉज हैं उनको। तो एन बी हाल हेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। उन्होंने इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया एच बी हाल हेड ने। अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन जजेस बाय 1778। तो मुस्लिम कोड भी बनाया गया भाई, मुस्लिम लॉज को उसमें रख दिया गया, कब? 1778 में, और 1775 में हिंदुओं के लिए भी कंपाइलेशन करा गया। तो न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, एक नया सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया। व्हाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया अभी, और साथ ही साथ एक कोर्ट ऑफ अपील भी बना दी सरदार निजामत अदालत के नाम से। कहां पे? कलकत्ता में। ये सब किसके अंडर हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया था किसने? यूरोपियन नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके अंडर ये सब। चलिए आगे देखते हैं। द कलेक्टर वॉज द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट। हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रिवेन्यू एंड टैक्स, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, दरोगास एंड जजेस। दैट्स व्हाई दे गिव द टाइटल ऑफ कलेक्टर्स। तो इसी वजह से उन्हें जो है कलेक्टर्स बोला गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है क्या करेंगे, वो कई तरीके की चीजें करेंगे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, टैक्सेस जो है वो वसूलेंगे, रेवेन्यू जो है उसका ख्याल रखेंगे। तो इसी वजह से उनको कलेक्टर नाम दे दिया गया। हिज ऑफिस एज द लिटिल द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स अथॉरिटी। तो जो एक कलेक्टर्स का आया था ना, उसने बहुत ज्यादा डोमिनेंस किया पावर की। किस तरीके से वो आप सब जानते हैं, कलेक्टर्स का पावर आप सब जानते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या है? कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी किस तरीके से हुई वो हमें देखना। चलिए देखते हैं कि भाई कंपनी आर्मी किस तरीके से अस्तित्व में आई। तो कॉलोनियल पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो कॉलोनियल पावर्स जो थी ना, वो क्या थी? रेस्टेड थी, वो बेस थी किस पे? मिलिट्री स्ट्रेंथ। दे ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये कंपनी की आर्मी के बारे में बात चल रही है। अब हमारा सारा वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है, अब पूरा ध्यान हमारा कंपनी आर्मी पे ही होगा। चलिए देखते हैं कंपनी आर्मी को। द कॉलोनियल पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, और उसने कई तरीके की रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कावलरी,
नोन एज ट्रेंड सोल्जर्स और हॉर्सबैक, मतलब घोड़े पे बैठे हुए ट्रेंड सोल्जर जो हुआ करते थे कावलरी, वो मुस्लिम आर्मी में खूब थी। एंड इन्फेंट्री जो लैंड पे थी उन्हें पैदल फुट पैदल सोल्जर्स या फुट पे चलने वाले सोल्जर्स करते हैं, जो लैंड आर्मी होती है हमारी, जो मिलिट्री होती है लैंड की। तो देवर गिवन ट्रेनिंग ऑफ द सॉर्ड एंड ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरअंदाजी, मतलब तीरअंदाजी हो गया, तीरअंदाजी करना कि भाई तीरअंदाजी किस तरीके से की जाती है वो सब, तलवार चलाना, तलवार किस तरीके से चलाई जाती है वो सब, ये सब सिखाने के लिए ये सारी चीजें होती थी मुगल आर्मी में। द सॉवर्स डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज पैदल सोल्जर ट्रेंड बाय प्रोफेशनल। तो क्या सॉवर्स जो थे ना, जो घोड़े पे चलने वाले जो ट्रेन सोल्जर, उनकी ज्यादा मुगलों को अच्छा लगा, उन्होंने पैदल चलने वालों को इतना ज्यादा प्रोफेशनली इंकरेज नहीं किया। द लोकल जमींदार ऑफन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स, मगर जो छोटे छोटे कुछ तो होंगे ना पैदल वाले, तो वो किसान वगैरह थे उनको डाल दिया था अपनी आर्मी में मुगलों ने पैदल सोल्जर्स के रूप में। चलिए ये तो हमने देख लिया, आगे चलते हैं, मुगलों की बात हो गई। इन द 18th सेंचुरी व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी इन ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी सिमिलरली मुगल सक्सेसर स्टेट। तो मुगल सक्सेसर स्टेट्स की तरह ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कुछ लोकली लोगों को अपनी आर्मियों में लेना शुरू कर दिया, ताकि वो उनका आज्ञा का पालन करे और खुद के लोगों पर ही गोलियां चलाए। तो दे वुड बी नोन एज द सिपोई आर्मी, इस तरीके से बोला जाता था उनको, उनको सिपोई आर्मी के रूप में जाना जाता था। सिपोई मतलब वही आर्मी की बात हो रही है। इट केम फ्रॉम, ये सिपोई आर्मी है वो कहां से आई है, इट केम फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही हूज मीनिंग इज सोल्जर, सिपाही से सिपोई आया भाई, सिपाही से क्या आया है, सिपोई आया है। चलिए ये तो हमें पता लग गया। अब फ्रॉम 1820 से द कावलरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन व्हेन वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, तो घोड़ों के साथ लड़ने की जो कला थी वो सारी गिरती गई क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन इजिप्ट बर्मा एंड अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ दी वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मैच लॉक्स एंड मस्केट, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग इन्फेंट्री रेजिमेंट्स फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन। तो मिलिट्री रिक्रूटमेंट जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और उससे भी ज्यादा जरूरी था उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हथियार वगैरह, उनके कपड़े वगैरह, उनके जो भाले वगैरह है वो सब अच्छी तरह से उन्हें करना, ये सारी चीजें उन्हें लगने लगी। तो कंपनी की आर्मी के बारे में बात कर, तो द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप एन यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इंडियंस को भी हमारा कल्चर ही सूट करवा दिया जाए और उन्हें भी हम अपनी आर्मी में ले ले ताकि हमारी आर्मी वैसे ही बढ़ जाए। तो एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो है ब्रिटिशर्स लेकर आ गए इन द अर्ली 19th सेंचुरी में। द सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, तो उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई यूरोपियंस ही सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं, इनकी जैसी ट्रेनिंग आपको देंगे आप भी ट्रेंड हो जाओ, डिसिप्लिन आ जाएगा एंड ड्रिल दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, तो इस तरीके से उन्हें रेगुलेट करके आर्मियों में ले लिया गया। ऑल्दो सम प्रॉब्लम्स हैड क्रिएटेड सीन कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, तो लोगों की क्या कास्ट थी, क्या रिलीजन था, किस तरीके के कपड़े होने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस रिलीजन में क्या बोलते हैं, किस कास्ट में क्या बोलते हैं, इन सबसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूरोपियन जैसी ट्रेनिंग देते थे, यूरोपियन जैसा खाना देते थे, सब देते थे, तो इन सब चीजों को उन्होंने इग्नोर कर दिया एक प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने के लिए।
देर आर सम क्वेश्चन रोज अप एज नो वन कुड नॉट गिव अप इजिली देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स. तो इस वजह से कोई कई सारे क्वेश्चन उठने लगे कि भाई कोई भी अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग्स को आसानी से तो गिव अप नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ तो आपने डराया धमकाया होगा. नो वन कुड सी वनसेल्फ ओनली एज अ सोल्जर एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी. कि भाई कोई ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बोलेगा कि भाई मैं इस कम्युनिटी का नहीं हूं तो मैं मिलिट्री में मिल जाता हूँ, क्या मैं मिलिट्री में हूं तो मैं इस कम्युनिटी का नहीं हूं. रिलीजन तो वो संभाल के रखते ही थे. तो ये सारी चीजें हो रही थी. तो फिर क्या हो गया अभी? फिर हुआ द रिवोल्ट ऑफ 1857. फिर क्या हुआ? फिर हुआ द रिवोल्ट ऑफ 1857 गेव अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिपोइज. तो जो सिपोइज का जो वर्ल्ड है उसको इन्होंने दे दिया. देयर इज सम क्वेश्चंस राइजन अप लाइक, किस तरीके के क्वेश्चन जो है राइज हुए. व्हाट डिड द सिपोइज फील आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी. किस तरीके से जो सिपोइज है वो फील करेंगे कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, ये चीज जो है सबसे ज्यादा उनके दिमाग में आई. हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ एंड देयर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ अदर इंडियंस. तो अदर इंडियंस की जैसे उनकी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट होगी ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं भाई, कंक्लूजन क्या निकल के आया. चलिए आ जाइए कंक्लूजन देखते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज ट्रेडिंग कंपनी. बिल्कुल ट्रेडिंग कंपनी की तरह तो आई थी ना. क्या किया था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि हम ट्रेड करने आए. शुरुआत में तो बोल दिया ट्रेड करने आए, बट ट्रेड करते करते इन्होंने ट्रेडिंग उनकी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने सोचा अगर टेरिटरी ले लेंगे ये तो ट्रेड भी आसान हो जाएगा, तो टेरिटरी लेना शुरू कर दिया. फिर जब एक से लिए ट्रेड अच्छा हो गया तो इन्होंने सोचा और भी लेते हैं, और भी लेते गए, और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारा एम्पायर खड़ा कर दिया. तो हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. क्या भाई? टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. इन द अर्ली 19th सेंचुरी, जो शुरुआत की 19th सेंचुरी थी उसकी बात कर रहे हैं, द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस. जो नई स्टीम टेक्नोलॉजी आ चुकी थी उसकी वजह से इस प्रोसेस को काफी ज्यादा बल मिल गया. बाय द सीवे स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 वीक्स. तो जो ये स्टीम शिप्स थी ना, जो शिप्स बड़ी बड़ी शिप्स आती थी स्टीम से चलती थी, इन सबने जर्नी का टाइम आधा कर दिया था, बहुत ज्यादा कम कर दिया. ऑल्दो इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया टिल देन फॉर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली, इतना टाइम तो लगता ही था इन स्टीम शिप्स में. ठीक है, नाउ दे इनेबल्ड टू कम क्विकली फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया. अब जब इस तरीके की स्टीम की शिप्स आने लग गई तो वो जल्दी से जल्दी इंडिया पहुंचने लग गए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी पहुंचने लग गई इस वजह से. ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया. चलिए अब आगे देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, इन 1857 द कंपनी डिसाइडेड टू डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 78% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 63% ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो 1857 तक आते आते 1857 में उन्होंने क्या किया कि 78% पॉपुलेशन जो है ना उनके डायरेक्ट रूल में आ गए कि जो वो बोलेंगे वही हो पाएगा, और 63% जो टेरिटरी थी इंडिया की वो किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, थोड़ी बहुत राजाओं के हाथ में भी थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल बाय कंबाइनिंग विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो जो शुरुआत और जो बची हुई जगह थी ना वहां पे भी इनडायरेक्ट कंट्रोल तो था ही ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्होंने कई तरीके की ट्रीटी साइन करी हुई थी उनसे, हमारी आर्मी रहेगी, ये होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, पैरामाउंटेसी की उनकी पॉलिसी, और उसके बाद वो पहले हमने देखा था सब्सिडी अलायंस, वो सारी पॉलिसी उनसे हम ये समझ सकते हैं किस तरीके की उनकी पॉलिसी रही होगी. अब यहाँ कुछ इमेजिन का दिया हुआ है, ये आप इमेजिन कर लीजिएगा. यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या? सेल्फ ट्रेड इन साउथ अफ्रीका. आप सब जानते हैं स्लेव ट्रेड अमेरिका में खूब होता था, बट साउथ अफ्रीका में से कई तरीके के स्लेव ट्रेड्स बुलाए जाते थे और दूसरी कंट्रीज में आते थे. तो देखिए स्लेव ट्रेड साउथ अफ्रीका में किस तरीके से था. द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच साउथ अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में जो डच की जो शिप्स थी ना
वो उतर गई थी कहां पे, साउथ अफ्रीका। सून अ स्लेव ट्रेड बिगेन, और जल्द ही क्या हो गया कि स्लेव का ट्रेड होने लग गया, मतलब गुलामों का व्यापार, मानव तस्करियां होने लग गई। पीपल वर कैप्चर्ड, लोगों को बंदी बना लिया गया, शिप्स में भर दिया गया, इधर से उधर ट्रेड कराया जाने लगा, उनकी हालत दयनीय कर दी गई, उन्हें चेनों से बांध कर रखा जाने लगा, एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट, और उनको बताया जाने लगा उनके व्यापारियों द्वारा उनके कस्टमर को कि देखिए इस गुलाम में क्या खूबियां हैं, उस गुलाम में क्या खूबियां हैं। और जैसे हम आज के समय चीजें खरीदते हैं ना, वहां पे गुलाम खरीदे जा रहे थे, इस गुलाम का क्या कलर है, इसकी क्या स्किन है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें खरीदिए। तो पहले ऐसे मार्केट में खरीदा जाता था, उस समय लोगों को ये सब सही लगता था क्योंकि इससे व्यापार बढ़ता था और लोगों को आराम से ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग भी मिल जाते थे जो अफ्रीका से आए हैं, अफ्रीका में वैसे ही गरीबी थी तो वहां से इनको लाना भी आसान था। तो व्हेन स्लेवरी एंडेड इन 1834, तो जब स्लेवरी एंड हो गई ना, एंड जब हुई, कोई भी चीज एंड होती है तो एकदम से तो नहीं होती, आप सिर्फ लॉ पास करोगे तो एंड एकदम से तो एंड होगा नहीं, धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में एंड होता है। तो स्लोली जब एंड करी गई उसके बाद भी बहुत सोने तो फिर भी चालू रखी। देयर वर 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव एट द केप लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। तो साउथर्न मोस्ट टिप जो साउथ अफ्रीका का है, वहां पे कितने प्राइवेटली ओन्ड स्लेव थे, 36,774, 36,774 स्लेव्स थे। तो स्लेव का ट्रेड बहुत बड़ा इशू था। अ विजिटर टू द केप इन 1824 हैज लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट अ स्लेव ऑक्शन। तो स्लेव ऑक्शन में एक व्यक्ति थी, उसने जो देखा ना जिस तरीके से स्लेव को बेचा और खरीदा जा रहा था, उस पर उसने कुछ टिप्पणियां यहाँ पे करी हुई है, कुछ उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। एक बार उस पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं। Having learned that there was to be sale of cattle, मैंने सुना था कई तरीके से कि पशुओं का जो है सेल होता है, फार्म स्टॉक का सेल होता है बाय ऑक्शन। We halted our wagon for the purpose of procuring fresh oxen. Among the stock was a female slave. इतना ही नहीं, फीमेल स्लेव भी थी और इतने इवन देयर चिल्ड्रन, हर 3 children। द फार्मर्स एग्जामिन्ड देम एज इफ दे हैड बीन सो मेनी हेड ऑफ कैटल, दे वर सोल्ड सेपरेटली। तो जिस तरीके से कैटल के बच्चों को अपन बेचते हैं ना, उसी तरीके से गुलामों के बच्चों को बेचा जा रहा था, महिलाओं को बेचा जा रहा था। एंड टू डिफरेंट परचेजेस, जिस तरीके से हम पशु पशुओं को बेचते हैं, लोगों को बेचा जा रहा था। The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heart-rending look upon her children and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parents contrasted with the marked insensitivity and jocular countenance of the spectators. The spectators जो है वो मुख बने बस देखते रहा करते थे ऑक्शन में। क्या होता था कि महिलाओं के बच्चे सामने उनके बच्चों को दूसरों को बेच दिया जाता था। अब महिलाएं बहुत ज्यादा दुख में, सोरो में चली जाती थी और वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे माहौल बन जाते थे जिसकी अब कल्पना भी नहीं कर सकते, बट फिर भी वहां पे इस तरीके के स्लेव ट्रेड कर दिए जाते और लोग जो है बस स्पेक्टेटर बन के बस देखते रहते थे, उन्हें इन पे हंसी आती थी, दे लाफ्ड एट दिस थिंग। तो ये इस तरीके से कोट किया गया है स्लेवरी ऑफ केप ऑफ गुड होप। अब क्या आते हैं भाई, अब हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसमें हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ आपको होमवर्क में करने के लिए हम दिए दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कुछ ये जो आपकी एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको होमवर्क में करने के लिए कुछ देने वाला हूं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर होमवर्क। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट, आफ्टर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, कलकत्ता ग्रू from a small village to a big city. Find out about the culture, architecture and the life of Europeans and Indians of the city during the colonial period. तो आप शुरुआत के पेज पे आप जाएंगे ना तो आपको ये सारी की सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले बंगाल को ही क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो सबसे पहले बंगाल में ही ब्रिटिशर्स आए थे, आप सब जानते होंगे। ब्रिटिशर्स जो है कहाँ पे आए भाई,
बंगाल में आए थे, कैलीकट का नाम बताया था ना मैंने आपको, तो वो वहीं पे आए हुए थे। यहां से देखिए, यहां से आपको मिलेगा कैलीकट के बारे में, कोस्ट ऑफ अफ्रीका फरमान जारी कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल, यहां से आपको मिलने लग जाएंगे, बंगाल के बारे में बात करनी है तो आपको यहां से इसका आंसर मिलेगा। क्या कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे कंसेशन वगैरह दे दिए गए, और फिर बैटल ऑफ प्लासी हो गया, ये सारी चीजें आपको उसमें शॉर्ट पॉइंट्स में लिखनी होगी, ठीक है, ये आपका उसमें आंसर हो जाएगा। अब चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें आ जाएगा, किस तरीके स्मॉल विलेज से बिग सिटी में बदल गया, क्योंकि तो ट्रेड जो है उनके राइट्स मिल गए उनको। अब सेकेंड कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक, डलाउसी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, अभी हमने क्या पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब कि आपका राज्य अब हमारा है, अगर आपका कोई पुत्र नहीं है ना तो आपका राज्य हमारा है, आपका कोई वंशज नहीं है तो आपका राज्य ब्रिटिशर्स का है, अब आपका राज्य आपका नहीं रहा, ब्रिटिशर्स का हो गया, लैप्स हो गया, गिर गया। सेकेंड, मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द विच पार्ट ऑफ इंडिया, आपको ये बताना है कहां पे था, ये मैं आपको बता सकता हूं बट फिर भी आपको ये होमवर्क में देना है, जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि ये नॉर्थ वेस्ट, आप यहां पे लिख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, क्योंकि मराठा किंगडम उसके अराउंड ही डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो ये मैंने आपको होमवर्क में देने की सोची थी बट मैंने आपको आंसर इसका खुद ही बता दिया। चलो कोई नहीं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ व्हाट, ब्रिटिश कंक्वेस्ट बंगाल का किस, बक्सर से, बक्सर तो 64 में हुआ था, उससे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उससे पहले हुआ था प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी आपका क्या हो गया यहां पे, आंसर हो गया। अब आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन, यहां पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पहला राइट और रॉन्ग बताना है, महाराजा रणजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, क्या ये सही है, मुझे नहीं लगता, सिंध का होगा शायद, तो शायद ये गलत हो सकता है, ठीक है, आपको इसको ढूंढ के आना होगा, आपके लिए ये होमवर्क का है, मैंने आपको हिंट दे दी है, पंजाब जो है बाद में हुआ था, सिंध पहले हो गया था। अब सेकंड देखिए, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कंकर्ड, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, डिड नॉट इंट्रोड्यूस, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करी थी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, बिल्कुल करी थी, तो ये हमारा गलत हो गया। मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी, ये आपको देख के लाना है कि भाई 18th में हुआ था, 19th में हुआ था, कब हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सब्सिडरी अलायंस, मैंने आपको बताया था सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, कि भाई आपकी मिलिट्री जो ब्रिटिशर्स मिलिट्री है, हमारी मिलिट्री आपके वहां रहेगी तो वहां पर उनका खाना पीना उनकी पेमेंट सब आपको देखनी होगी, उनके रहने के लिए सारी चीजें करनी होगी, और इतना ही नहीं हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे वहां के, उसके लिए आपको पेमेंट देना होगा, और अगर नहीं देते हो तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा, तो ये सब्सिडरी अलायंस है, तो अवध सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस बन गया, फिर उसके बाद उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे हटा भी दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं अब इसको, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन रूलर्स, आप ये होमवर्क में करके लाएंगे, मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में यहाँ पे स्टडी कराया। सिक्स, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द इंडियंस, दीवानी राइट्स मिल गए थे, मैंने आपको बताया था ना रॉबर्ट क्लाइव वाला, तो ये भी आपको होमवर्क में उसमें मिल जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव से जो है क्या किया था, उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे क्योंकि तो उसने जो है नवाब वबाब सबको हटा दिया था और खुद ही सारे राइट्स ले लिए थे। अब आती है आपकी क्या एक्सरसाइज, जो आपको किसमें करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है आपको आपके होमवर्क में, ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बहुत सी चीजें होमवर्क में करने के लिए दी है, बट इसमें से कुछ चीजें मैंने आपको जस्ट बताई दी, सब्सिडरी अलायंस क्या होते हैं तो आप आराम से लिख सकते। अब क्या है, अब है आपके कुछ एक्सरसाइजेस, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको और कुछ आप करके ले आइएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू डायरेक्ट रूल अबाउट 17% ऑफ द पॉपुलेशन एंड ये कौन से में हुआ था ये बताइए, तो ये 1857 जस्ट अभी हमने स्टडी की, ये हमने देख लिया, जो बाकी चीजें हैं वो आप होमवर्क में करके लाएंगे, तो एक तरीके से ये पूरी एक्सरसाइजेस जो है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे हो चुके, तो जितनी भी चीजें ये सारी आपको होमवर्क में करनी होगी, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, अब बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
हैव अ नाइस डे।